मुतज़न अपनी नोयत की एक चौनी कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। हाथ में मोमबत्ती पकड़े वो एक एक सीढ़ी पर पांव रख रही थी। फर्श पर गर्द की तह जमी हुई थी। मोमबत्ती की लौ होले होले टिमटिमा रही थी। वो आगे बढ़ती जा रही थी जैसे कोई अनजानी ताकत उसे आगे की जानिब धकेल रही हो। उस लम्हे उसे फोन की घंटी भी सुनाई थी। वो अपना फोन कमरे में भूल आई थी। उसके मोबाइल की मखसूस टोन मुसलसल बजे जा रही थी जिसकी आवाज इस खामोशी में इस कदर दूर तक सुनाई दे रही थी। उसने पीछे मुड़कर जाना चाहा, मगर उसे लगा किसी अनजानी ताकत ने उसे पीछे जाने से रोक दिया हो। वो पीछे मुड़ गई तो पत्थर की बन जाएगी। उसे ऐसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधों पर सर्द हाथ रख दिया हो। उसे अब कुछ खौफ महसूस हुआ। वो वापस पलटने का इरादा कर चुकी थी। उसने पांव पीछे की जाने बढ़ाया जब एक यह बस्ता हवा का झोंका उसकी मोमबत्ती की लौ को जा गया। वो अब सीढ़ियों के बीचों बीच अंधेरे में खड़ी थी। फोन की घंटी अब भी मुसलसल जारी थी। अब उसे फैसला करना था कि उसे आगे बढ़ना है या पीछे जाना है। तो तुम्हें लगता है कि नैन्सी जीतेगी डीक्यू का मुकाबला? उसने पेन नीचे रखा। वो अब संजीदा थी। ऑफ कोर्स वो ही जीतेगी। तुम्हें पता है ना उसने क्या सेलेक्ट किया है? अरीब ने पुरयकीन अंदाज में कहा तो वो बेमजा हुई। व्हाटएवर, तुम्हें तो नैन्सी के अलावा कोई डेयरिंग ही नहीं लगता ना? उसने अपनी हिरनी जैसी आंखें उस पर जमा कर कहा। नो डियर, तुम भी डेयरिंग हो। अरीब उसका दिल रख रहा था। तुम्हें पता है मैंने क्या सेलेक्ट किया है? उसने पुरअसरार अंदाज में अरीब से कहा तो अरीब की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट टूट गई। उसे अंदाजा नहीं था कि वो क्या बोलने वाली है, लेकिन उसकी बात ने उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ा दी थी। चारों तरफ अंधेरा था और इस अंधेरे में बस एक जानिब रोशनी थी जहां दरख्त पे एक लाश लटकी हुई थी। उसके जिस्म से ताजा खून खुश घास पर गिर रहा था। उसके गिर्द सफेद हड्डियों वाले ढांचे रक्स कर रहे थे। हवा में राहे राहे यानी इंतकाम इंतकाम की आवाजें गूंज रही थी। तो बच्चों, हमारी नानी ने बताया था कि उस बच्चे को सच्चे ख्वाब आते थे। वो बच्चा पहले से बता दिया करता था चीजें और कुछ गैर मरई चीजें भी उसको दिखाई देती थी। नानी ने स्वेटर बुनते बड़ा ही तजस्सुस पिलाया। सबकी नजरें नानी पर थी, मगर जैसी को तो कौन समझाता। अरे नानी बस भी करें आप, आपकी नानी भी ना बस आपकी तरह की ही कहानियां सुनाती होंगी। इतने पुराने जमाने में लोगों को कुछ काम नहीं होता था, सिर्फ बैठ कर ख्याली बातें बनाते रहते थे। जैसी कहां सुनने वाली थी? जा जैसी, मैं नहीं सुनाती अब कहानी। नानी ने नाराज होकर मुंह परे कर लिया तो चरबूजे खाती जैसी को जरा परवाह ना हुई, मगर उसके दोनों छोटे भाइयों ने मुंह बना लिया। अरे नानी ये क्या बात हुई? हालांकि ये कहानी कोई 2000 दफा नानी सुना चुकी थी, मगर क्या है ना नानी कि आपकी जुबानी सुनकर ऐसा लगता है कि असली किरदार आगे पीछे फिर रहे हैं, जिन्हें जैसी फौरन चुटकी काट लेती है और वो नाराज होकर कूनों कूदरों में छुप जाते हैं। कहानी सुना देना नानी, जैसी को छोड़े ये तो है ही ऐसी। वो दोनों बच्चे अब नानी की विनती कर रहे थे, मगर जैसी भी कहां कम थी, उठकर तो उसने भी नहीं जाना था। अब खबरदार जैसी, जो तुमने नानी को टोका ये चरबूजे छीन लेंगे हम तुमसे। फरहान को यही धमकी बेहतर लगी। अच्छा अब नहीं बोलूंगी, वो जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोली। आखिरकार नानी मान गई और दोबारा से कहानी सुनाने लगी। शाम का वक्त था, सारे बच्चे उस वक्त सड़क पर साइकिल चला रहे थे। ये जर्मनी का एक छोटा सा कस्बा था। जब वो लड़का भागता हुआ उसकी साइकिल के पास आया, उसके आने का खौफ इतना ज्यादा था कि साइकिल चलाता गोरा चिट्टा लड़का साइकिल से ही गिर गया। वैसे तो उसके बारे में बहुत सी बातें मशहूर थी, मगर उसकी सबसे खौफनाक चीज उसकी एक आंख थी। बचपन में कोई नोकीली चीज उसकी दाई आंख में खुक गई थी, जिसकी वजह से उसकी बिनाई साया हो गई थी। वो तेजी से उस बच्चे की जानिब आया और हाथ बढ़ाकर नीचे गिरते हुए उस लड़के को उठाया। सुनो, यहां से तुम सीधे घर जाना, रुकना मत। उसने सरगोशी की, मगर उसकी आवाज में एक रोब और धमकी थी। वो काला लड़का जर्मन जबान में बोलकर क्या था, हालांकि वो खुद बर्तानिया से था और तमाम लोगों में ये बात मशहूर थी कि इसे जर्मन नहीं आती। वो गोरा चिट्टा जर्मन लड़का साइकिल दौड़ाता घर की जानिब निकल गया। वो तेज तेज साइकिल के पैडल मार रहा था। उसका जिस्म पसीने से शराबोर हो गया था। उस काले लड़के के खौफ ने उसे इतना डरा दिया था कि उसे अपने घर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। बस अगली गली में ही उसका घर था। उसने सुखा सांस लिया, लेकिन एकदम से साइकिल के नीचे पत्थर आ गया और वो लुढ़क कर सड़क पर जा गिरा। दूसरी जानिब से दो हाथ बढ़े। उसने सर उठाया। अंकल माइकल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लिए दुकान की तरफ आ गए। उनकी छोटी सी एक दुकान थी जिसे वो शाम ढले ही बंद कर देते थे। अंकल माइकल मुझे घर जाना है, वो जर्मन लड़का बोला। हालांकि वो जानता था कि अंकल माइकल चूंकि अकेले रहते हैं, उसे यकीनन हमेशा की तरह टॉफियां देंगे। अरे बेटा तुम्हारे सर से खून बह रहा है, तुम अंदर चलो, मैं तुम्हारे साथ ही घर जाऊंगा। साइकिल की चेन भी टूट चुकी है ना, इसलिए ज्यादा मेहनत का फायदा नहीं। अंकल माइकल उस जर्मन लड़के को हाथ पकड़कर दुकान के अंदर तक लाए और उसका शटर गिरा दिया। जैसी कह दो ये झूठ है, वो दांत निकालने लगा। उसे समझ न आया कि क्या कहे। अरे नहीं अलीम, ये बिल्कुल सच है।
जेसी डियर, ऐसा मजाक जिसमें जान चली जाए अच्छा नहीं होता। अहित तो वाकई डर गया था। किसकी जान जा रही है, तुम्हारी ना? अपने बालों को झटका देती जेसी बोली। मैं बहुत बहादुर हूँ, ऐसी बात नहीं, मगर जेसी ने ना इस वीक, हाँ हाँ बोलो, असाइनमेंट है, दोस्त है, डिनर है, कोई भी बहाना बना दो, मगर मैं जा रही हूँ। जेसी, मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता, प्लीज डोंट डू दिस। अरे अब मिन्नत कर रहा था, मगर जेसी भी अपने नाम की एक थी। चलो मर भी गई तो लाश उठाने तुम्हें जाना पड़ेगा। जेसी हंसती, यानी तुम भी मुझे अपने साथ मरवाओगी? चला जाऊंगा तुम्हारे साथ, मगर अंदर नहीं जाऊंगा। अरीब राजी हो गया, जस्ट लाइक अ गुड बॉय। और अरीब का आने वाले वक्त के बारे में सोचकर ही रूह कांप गई। वो वापस कमरे में आई, उसे पता था कि ये किसकी कॉल होगी, मगर मोबाइल उठाते ही उसे हैरत का झटका लगा। मोबाइल पे तो किसी की कॉल नहीं थी, बल्कि मोबाइल पे तो सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। ऐसे कैसे? उसने तो अपनी आवाज में गाने की टोन लगाई हुई थी, किसी और फोन के बजने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरा ख्याल है अब मुझे यहाँ सोना चाहिए, उसने अपना तकिया उठाकर बिस्तर झाड़ा। बिस्तर झाड़ते ही छोटा सा सांप उछलकर दूर जा गया। उसने अपनी चीख हालत में रोकी, उसे पता था कि उसके चीखते ही कितने लोग जमा हो जाएंगे। इस भूत बंगले में किसी भी चीज का इंतजाम नहीं था। उसका बिस्तर और जरूरत का कुछ सामान वो अपने साथ ही लाई थी। वो बिस्तर पर लेटी थी कि तेज ठक की आवाज के साथ वो बड़ा सा शीशा किरची किरची हो गया। उसने गर्दन मोड़कर बाईं जानिब देखा, दीवार के शीशे में लाखों दरारें पड़ चुकी थी। उसे लगा एक साया सा लहराया है, मगर अब कमरा बेतहाशा धुंध से भर गया था। उसके सामने तमाम मंजर धुंधला गया, उसका जहन तारीकी में डूबता चला गया। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, उसने आसपास नजरें दौड़ाई, लग रहा था कोई बहुत पुराना बहुत कदीम स्टोर है जो कार कबाड़ से भरा हुआ है। उसने हाथ पांव मारे, मगर वो बहुत मजबूती से बंधे हुए थे। एकदम उसकी नजर उसके पांव के करीब पड़ी, एक सफेद सी चीज पड़ी थी, गोल और सफेद चीज में तीन गड्ढे थे। उसने पांव मारा तो वो पूरी घूम गई, उसका सांस बंद हो गया था। वो एक खोपड़ी थी, सफेद इंसानी खोपड़ी। उसे लगा खोपड़ी की आंखें उसे देख रही है। नाम तो उसका यास्मीन था और वो पैदा भी जर्मनी में हुई थी। उसके नाना ने पाकिस्तान से जर्मनी आकर एक जर्मन औरत से शादी कर ली थी। नानी को अंग्रेजी तो आती ही थी, मगर नाना के साथ रहकर वो उर्दू भी सीख गई। उनके दो बेटे और एक बेटी थी। नाना की वफात के बाद दोनों बेटे पाकिस्तान चले गए थे और वहां ही शादी कर ली थी, लेकिन बेटी की शादी उन्होंने एक जर्मन निजात पाकिस्तानी से की थी। सूबिया के तीन बच्चे थे, यास्मीन, फरहान, नुमान। यास्मीन को सारे ही जैस्मीन कहते थे, जो आहिस्ता आहिस्ता जैसी के नाम से मशहूर हो गई थी। जैसी पुकारना ज्यादा आसान था, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। यूं तो उसके बहुत से दोस्त थे, मगर अरीब हमेशा से ही उसका अच्छा साथी रहा था। शायद बाहर के मुल्कों में हम जबान होना ही एक बहुत बड़ी खासियत है जो बाकी हर फर्क मिटा देती है। वो भी पाकिस्तानी था और वो इधर पढ़ने के लिए आया था। यूनिवर्सिटी में अक्सर मुकाबले होते रहते थे, मगर एक मुकाबला सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस था जो हर साल मुनक्किद किया जाता था, डीक्यू का मुकाबला, यानी डेयरिंग क्वीन, जिसका मकसद कोई ऐसी लड़की सेलेक्ट करना था जो खतरात का मुकाबला करना जानती हो और बड़ी से बड़ी मुश्किल हल कर सकती हो। उनकी यूनिवर्सिटी में ये बात मशहूर थी कि सिंफे नाजुक बहुत बुजदिल और कमजोर होती है। इस ख्याल को गलत साबित करने के लिए ही यूनिवर्सिटी ने इस डीक्यू यानी डेयरिंग क्वीन के मुकाबले का इनेकाद किया था। इस मुकाबले का मकसद सिर्फ लड़कियों से बुजदिली खत्म करना था। हर साल इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाली बताती थी कि वो क्या करने वाली है जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। काम ऐसा होना चाहिए जो आप खुद मुकम्मल करें, कोई दूसरा आपकी मदद ना करे। किसी ने पहाड़ पर चढ़ना सिलेक्ट किया था, किसी ने बर्फ पे सोना, किसी ने एक रात समंदर में रहने का अहद किया। अलबत्ता नैन्सी ने 1000 फुट की ऊंचाई से हाथ जोड़कर रस्सी पर चलने का डेयर चूज किया था। अरीब को लगता था कि नैन्सी जीत जाएगी, मगर जेसी को बहुत बुरा लगा था, वो भी डेयरिंग थी। और फिर उसने अब तो अपना टास्क भी सिलेक्ट कर लिया था, जिसे सुनकर अरीब को तारे नजर आने लगे थे। दो रातें कस्बे के मशहूर हॉन्टेड हाउस भूत बंगले में गुजारा। उसका हुलिया ऐसा था कि हर कोई उससे दूर भागता था। उसकी वजह शोहरत उसका एक आंख से काला होना था। उसकी माँ ने कई बार उसको स्कूल में दाखिल करवाया था, मगर वो हर बार निकाला जाता। वजह उसका अजीब और पुरसरार रवैया था। उसकी आंख जाया होने की वजह से अक्सर वो उसे एक कपड़े से ढके रखता था, मगर जब कोई बच्चा उसे तंग करता तो वो कपड़ा हटाकर उस बच्चे को डरा देता। लंबे लंबे बालों वाले उस खौफनाक शक्ल के लड़के का नाम पीटर था, जिसके दांत नोकीले थे और चेहरा स्याह था। स्कूल में कई बार उसे दौरे पड़ने लगते थे, उसका जिस्म हिलता और एकदम बेहोश हो जाता। उसे सच्चे ख्वाब नजर आते थे, पहले ही बच्चे उससे डरते थे, मगर इस हकीकत के बाद वो उन्हें कोई खलाई मखलूक रखने लगा था। एक बार पीटर ने जिम का हाथ थाम कर उसे कहा था कि अपने बाप का साथ मत देना। वो हैरान हुआ था। उसी रात उसके बाप ने उसकी माँ को तलाक दे दी थी। वो दोनों उससे पूछ रहे थे कि वो किसके साथ जाएगा, तो जिम को पीटर की बात याद आई कि अपने बाप का साथ मत देना, तो वो माँ की टांगों से लिपट गया, जबकि दूसरा भाई बाप के साथ चला गया। अगले दिन रेल की पटरी से उसके बाप और भाई की मस्कशुदा लाश मिली थी। जिम ने सबको ये बात बता दी थी। जिम को इस बात का दुख था कि उसके बाप ने उसके मासूम भाई को भी मौत के मुंह में धकेल दिया था।
अगर पीटर उसे खबरदार करता तो शायद वो उसे भी बचा लेता, मगर जो होना था वो तो होकर ही रहता है। एक बार पीटर भागता हुआ आया और टीचर का हाथ पकड़कर उसको जोर से अपनी जानिब खींचा कि वो कई फुट दूर जा गिरे। टीचर ने उठकर पीटर को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि छत पर मौजूद पंखा धड़ाम से नीचे गिर गया। ये उस जगह गिरा था जहां टीचर पहले खड़ा पढ़ा रहा था। इस वाक्य से पहले कई वालिदैन ने पीटर को स्कूल से निकालने की शिकायत की थी, मगर टीचर को बचाने वाले वाक्य से अचानक लोगों के दिलों में पीटर के लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी। अगर वो बदसूरत और काला था तो उसमें उसका क्या कसूर था? उसके ख्वाब ने उस्ताद की जान बचा ली थी। टीचर ने कांपते हुए उस पंखे को देखा जो अब बड़ी सी मेज के अंदर धस गया था। टीचर ने शर्मिंदगी से पीटर को गले लगा लिया। तुम सब बहादुर हो, तुम सब बदला लोगे, अपना बदला, तुम्हारा कातिल जिंदा है, तुम बदला लोगे, बोलो बोलो, हम एक हैं। कानी आंख वाले बदसूरत शक्ल के लड़के ने फिजा में हाथ फैलाकर उन सबको हदायत की थी। उसकी आवाज में हुक्म था, रोक था। टूटे सर, टूटे हाथ, टूटे पांव वाले कई ढांचे फिजा में हरकत करने लगे थे। हम एक हैं और हम बदला लेंगे, वो जर्मन जबान में यक जबान होकर बोल रहे थे। फिर वो सब हंसने लगे और उनके कहकरों की आवाजें आसमानों से बातें करने लगी। जैसी तुम ये मत करो, छोड़ तुम उसकी जान, तुम्हें पता है अंकल आंटी मुझसे नाराज हो जाएंगे। अलीम उसके पीछे पीछे फिर रहा था। चलो भाई, तुम मेरे मम्मी डैडी की फिक्र ना करो, पहले मुझसे नाराज होंगे फिर तुमसे। वो बाहर आ गई। गाड़ी में जेनिफर, टॉम और स्टीफन सब उसका इंतजार कर रहे थे। वो सारे उसके क्लासमेट थे और उसके इस एडवेंचर में बहुत पुरजोश थे। वो सब मिलकर इस कस्बे में जा रहे थे जहाँ वो खूब बंगला मौजूद था। उनकी यूनिवर्सिटी से उसका फासला तकरीबन 6-7 घंटे का था। कई सौ साल पुराना भूत बंगला जिसमें से तकरीबन 10 लोगों की लाशें निकल चुकी थी। वो अब भी इतना ही खौफनाक था कि कोई उसके पास ना जाता। मगर जैसी तो नानी की कहानियां सुन सुनकर सरफिरी हो चुकी थी। वो साबित करना चाहती थी कि नानी की नानी ने फजूल कहानियां सुना रखी है, ना तो उधर कोई बच्चा मरा था और ना ही कोई भूत उधर है। वो घर पे बता चुके थे कि वो 4 दिन के लिए पिकनिक के लिए जा रहे हैं। जर्मनी में ही रहने की वजह से उसके माँ बाप दोनों ही बहुत आजाद ख्याल थे। लड़कों से दोस्ती, लड़कों के साथ पढ़ाई आम सी बात थी। अलबत्ता अजीब सी दोस्ती की वजह से वो हमेशा ही उसको छूट देते थे। वो ना सिर्फ उसका हम वतन हम जुबान था, बल्कि वो एक बॉडीगार्ड की तरह हमेशा जैसी के साथ साथ रहता था। जैसी की मम्मी डैडी उससे रबते में रहते थे। वो जानते थे ये शरीफ बच्चा उनकी बेटी का हर जगह साथ देगा। वो उसे मुस्तकबिल में भी अपने दामाद की हैसियत से देखते थे और दोनों खानदानों के बीच रस्मी बातचीत भी हो चुकी थी। मगर अब ये शरीफ बच्चा उनकी बेटी जैसी की अनोखी फरमाइश में फंस कर रह गया था। अगर उसका साथ ना देता तो उसने मंगनी तोड़ने, जो कि अभी तक हुई भी नहीं थी, धमकी दे दी थी। और अगर साथ देता तो पूरी दो रातें उस बंगले के आगे गुजारनी थी जहाँ उसके तीनों दोस्त कैमरा लेकर सेटअप कर रहे थे। इधर कुआं उधर खाई तो उसने कुएं में छलांग मार दी थी। जैसी के साथ मरता तो कम से कम उसके घर वाले उसे मुश्किल ना समझते, क्योंकि जैसी ने तो ठान ही ली थी। सो उसे अब जैसी की फरमाइश पूरी करना ही थी। कमरे से धूप छटी तो दिन की हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। क्या सुबह हो गई? जैसी को हैरत हुई। सर भूचल था, भारी भारी आंखें, रात कट गई, उसे समझ ही ना आई। उसने सर उठाकर आसपास देखा। उसे ऊपर की जानिब से कुछ आवाजें आ रही थी। वो कल रात ही तो इधर आई थी, तभी वो इस आवाज के पीछे सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी थी। उसे सब आहिस्ता आहिस्ता याद आ रहा था। उसने अपना बैग खसीटा और पानी की बोतल निकालकर मुंह हाथ धोए। अब वो बिस्किट निकालकर खाने लगी। उसकी नजर शीशे पर पड़ी जो कल लाखों किरचियों में तकसीम हो चुका था, मगर अब उसकी जगह एक सादा शीशा था जिस पर चार पचास तस्वीरें लगी हुई थी, बच्चों की तस्वीरें। वो उठकर करीब आई। शीशे पर बड़ा बड़ा मुंह से लिखा था इंतकाम। साथ ही बहुत से बच्चों की तस्वीरें भी थी, कोई खेलता हुआ बच्चा, कोई पार्क में, कोई स्कूल में, कोई अपने बाप के साथ। ये सब ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें थी। उसने करीब जाकर देखा। 1854 किसी तस्वीर पर उसे सन भी लिखा दिखाई दिया था। उस वक्त की तस्वीर यहाँ इस वक्त में, क्या नानी वाकई ठीक कह रही थी? उसने एक नजर अपनी घड़ी पर डाली। उसकी घड़ी का वक्त रुका हुआ था, शायद सेल खत्म हो गए थे। उस पर 8:30 बज रहे थे, यानी जब वो रात इस घर में दाखिल हुई थी। रात के 8:30 बजे थे। उसने बिस्तर पर से अपना मोबाइल उठाया, सिग्नल अभी मौजूद ना थे। उसने खिड़की की जानिब नजरें उठाई। एक छोटा सा ड्रोन कैमरा खिड़की पर मौजूद था। उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। अरीब के अलावा सबने रात उसके साथ रहने की ऑफर की थी, मगर वो बसीत थी कि नहीं, बस मैं अकेले ही करूंगी। तभी वो अपना ड्रोन कैमरा साथ ले आए थे ताकि अंदर के हालात का पता चला सके, और अगर जैसी को कोई मसला हो तो किसी भी मुश्किल में वो सब बाहर उसकी मदद को तैयार बैठे थे। इस 2 मंजिला भूत बंगले के बाहर कैमरा सेटअप करके वो कैंप लगाए मौजूद थे। जैसी कैमरे में वीडियो बनवाकर अंदर चली गई थी ताकि डीक्यू के मुकाबले में सबूत के तौर पर वो वीडियो पेश की जा सके, और बाकी वो ड्रोन कैमरे के जरिए रिकॉर्ड कर रहे थे। उसने मोबाइल की टॉर्च जली। अब वो दोबारा सीढ़ियों की जानी पड़ने लगी थी। आगे सब अंधेरा था, बस सीढ़ियों के ऊपर एक बल्ब चल रहा था जो चल पूछ कर रहा था। उसे किसने जलाया था और कब? इस भूत बंगले में तो बिजली ही नहीं। वो मजीद उलझ गई थी, लेकिन फिर भी वो खामोशी से सीढ़ियां चढ़ती चली गई।
उसने अपने काले बदसूरत हाथ से दरवाजे को खोला तो चरचराहट के साथ वो खुलता चला गया। वीरान सुनसान लॉन में चूना लगा हुआ था जो उसके अंदर दाखिल होते ही हिलने लगा, जैसे उसके ऊपर कोई बैठा हुआ था। वो जानता था कि वो नहीं बचेगा। वो जानता था कि वो जान की बाजी खेल रहा है, फिर भी उसे अपने बाद आने वालों को बचाना था। उसे कुर्बानी देनी ही थी, वरना उसकी जिंदगी का क्या फायदा। पीटर चुपचाप आगे बढ़ता गया। उसे लगा कई छोटे छोटे ठंडे ठंडे हाथ उसका रास्ता रोक रहे हैं, मगर वो नहीं रुका। क्यों रुकता? कब तक अंकल माइकल ये खेल खेलेंगे? कब तक उनका कारोबार चलेगा? आखिर कब तक? उसने हाथ में बड़ा सा लोहे का सरिया उठाया हुआ था। पीटर सीढ़ियां चढ़ता गया। दरवाजा खोलते ही कई चीखें सुनाई थी। वो दो बच्चों की थी जिन पर तीन तीन मर्द चिपके हुए थे। वो तेजी से आगे बढ़ा। उसने लोहे का सरिया घुमाकर उन मर्दों को मारा था, मगर बाकी के तीन मर्दों ने आकर उसे पीछे से पकड़ लिया। वो तो अकेला ही इस आग में कूद गया था। एक ने सरिया हाथ से छीन लिया था, दूसरे ने उसे पकड़ा, जबकि तीसरा और चौथा उसे रस्सियों से बांधने लगा। बेवकूफ, पांचवें शख्स ने सर से हिलाते उसके मुंह पर थूका। अरे ये तो उधी तरह आ गया। वो सब हंसने लगे। जख्मी बच्चों ने एक नजर उसे देखा था। वो कोरा चिट्टा साइकिल वाला लड़का जोसेफ उसे देखकर दुखी हुआ। वो जानता था कि पीटर उसे बचाने आया है। बदसूरत काली आंख वाला पीटर वाकई बहुत अजीम था। काश कोई जान सकता। जैसी ऊपर सीढ़ियां चढ़ती गई थी, सामने दरवाजा था। उसने आहिस्ता से दरवाजे की बोसीदा हैंडल पर हाथ रखा। दरवाजे के किनारे से खून टपक रहा था, ताजा खून। उसने नजर घुमाकर देखा था। ड्रोन कैमरा अभी भी सामने वाली खिड़की पर मौजूद था। इस लड़की को चैन नहीं है, मरवाएगी ये। अरीब ने कैमरे में देखकर अपना सर पीट लिया था। रात भी वो तजस्सुस के मारे इस तरफ आ गई थी, मगर वापस पलट आई थी। आज सुबह होते ही फिर चल निकली थी। ये दूर है, कैमरा पीछे लेकर जाओ। देखो उस कमरे में खिड़की है भी कि नहीं, जिस तरफ जैसी गई है। अरीब स्टीफन को हदायत दे रहा था जो ड्रोन उड़ा रहा था। दरवाजा खुलता गया था। एक नागवार भूखा भपका उसके नथों से टकराया। उसने शर्ट के ऊपर पहना मफलर उठाकर नाक पर रख लिया। शदीद गंदी बू उठ रही थी। वो जानती थी ये बदबू कैसी है, सड़े हुए खून की बू। ये कमरा एक स्टोर रूम की तरह था, कार कबाड़ से भरा हुआ कमरा। कमरे में जा बचा खून के धब्बे थे, टूटी फूटी हड्डियां थी। एकदम आंधी उठी, उसकी आंखों में रेत चली गई। उसने हाथ आंखों पे रख लिए। आंखें मलते मलते उसने खोली तो दिल की धड़कन रुक गई। उसे लगा वो ख्वाब देख रही है। उसका रंग उड़ गया, रोंगटे खड़े हो गए। ठंडे पसीने बह निकले थे। उसके सामने से ढांचे चले आ रहे थे, 10-12 ढांचे, जिसमें सबसे आगे वाले की एक आंख पर पट्टी बंधी थी, काली पट्टी। यानी वो ढांचा एक आंख से काला था। अब उसकी बहादुरी दम तोड़ चुकी थी। जैसी चीख मारती हुई दौड़ती हुई नीचे उतरी, उसकी फलक शगाफ चीखें सुनकर वो चारों लड़के तेजी से बाहर का दरवाजा अबूर कर गए। वो चीखती हुई अरीब से टकराई और उसके हाथों में बेहोश हो गई। जैसी की आंख खुली तो अस्पताल के बेड पर थी। कैसी है मिस डीक्यू, अरीब ने सड़कर कहा था, जबकि मम्मी डैडी उसकी तरफ आ गए। वो अरीब की बहुत क्लास ले चुके थे कि अरीब ने उसके मम्मी डैडी को बताया क्यों नहीं था कि वो आखिर क्या करना चाहती थी। तभी अरीब का मूड ऑफ था, सब कुछ जहन में आने लगा था आहिस्ता आहिस्ता। बहुत शौक था ना बहादुरी का, मुबारक हो तुम्हें। बहादुरी के किस्से सुनकर यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने मुतफिका तौर पर तुम्हें डीक्यू बनाने का फैसला सुना दिया है। तुम्हें तो अस्पताल में ही डीक्यू का अवार्ड मिल गया। अरीब का लहजा अब भी चढ़ा कटा था। सच्ची मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, जबकि मैंने तो अपनी डीएम भी पूरी नहीं की। शर्म तो नहीं आती ना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। क्या होता अरीब, तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छी लड़की मिल जाती। वो खिलखिलाकर हंसी। शादी के बाद तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करने दूंगा। अरीब ने जैसी पर दोष जमाई। शादी? कौन कर रहा है तुमसे शादी, वो मजे से बोली और अरीब का दिल चाह के अपना सर पीट ले। अंकल माइकल की एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन असल में उनका कारोबार कुछ और था, बच्चों की आजा निकालकर बेचने का। कितने बच्चे टॉफियों की लालच में उनके पास आ जाते थे, जिन्हें वो अगवा करके उस पुराने भूत बंगले में ले आते जिसे उनके साथियों ने भयानक मशहूर कर रखा था। वो अरसा दराज से खाली पड़ा एक मकान था। वो बच्चों को इधर लेकर आते थे क्योंकि इधर का कोई रुख ना करता था। रात में जब मासूम बच्चों की चीखें सुनाई देती तो लोगों को यकीन पुख्ता होता गया कि ये आसेबी भूत बंगला है। वो लोग उनसे जानवरों और वैश्यों वाला सलूक करते, उनके जिस्म के हिस्से काटते। दूसरे शहरों से भी बच्चे इधर लाकर ज्यादती का निशाना बनाए जाते थे और फिर उनके आजा महंगे दामों पर किए जाते। वो 10-12 लोगों का गैंग था। पीटर को ये बात कई अरसे से ख्वाबों में दिखाई दे रही थी। उस गोरे चिट्टे बच्चे जिसका नाम जोसेफ था, उसके अगवा के बाद वो खुद ही उसको बचाने आ गया था। हालांकि वो जानता था कि वापस जिंदा नहीं जाएगा। उन लोगों ने उसे भी ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया था और बाकी दूसरे बच्चों की तरह उसकी लाश भी गलने सड़ने के लिए उसे स्टोर रूम में डाल दी गई थी। जोसेफ को जब स्टोर रूम में डाला गया था तब भी उधर उसे खोपड़ी दिखाई दी थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खूफजदा हो गया था। लेकिन तमाम बच्चों को मारकर उसी कमरे में डाल दिया जाता था। पीटर के मरते ही उसकी रूह ने सब लोगों को इकट्ठा कर लिया था। न जाने उसके पास कैसी गैर मामूली ताकतें थी कि वो मरकर भी अमर हो गया था। उसने सब ढांचों को हदायत दी कि वो अपने कत्ल का बदला ले और वो तमाम लोग जो इस जुर्म में शरीक है उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाए। वो तमाम बच्चों के ढांचे एक एक करके इस गैंग के लोगों को खत्म करने लगे। तभी एक के बाद एक 10 लोगों की लाशें मुख्तलिफ औकात में उस भूत बंगले के लॉन के दरख्तों पर लटकी पाई गई थी।
लोगों ने उदय का रुख करना बिल्कुल छोड़ दिया था, मगर जेसी को तो अपनी बहादुरी साबित करनी थी। मगर इसका एक फायदा ये हुआ कि पुलिस और मीडिया की टीम ने कई सौ साल बाद उस भूत बंगले में कदम रखा जहां जाने की किसी ने जुर्रत नहीं की थी। उस घर से बच्चों की हड्डियां जमा करके उन्हें बाकायदा उनके मजहबी रसूमात के बाद दफन किया गया था, बल्कि उसके बाद उस घर को सील भी कर दिया गया था। और तालियों से गूंज उठा था, कई कैमरे के फ्लैश उस पर पड़े। BQ यानी डेयरिंग क्वीन का अवार्ड तो जैसी को मिल ही गया था, लेकिन उस भूत बंगले में कयाम की खबर खबरों की जीनत बन गई थी। अवार्ड वसूल करते ही वो सबको देखकर मुस्कुराई, जब एक कोने से एक बच्चा जिसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई थी और भयानक नुकीले दांत निकाले उसे हाथ हिलाने लगा। एक लम्हे के लिए जैसी का रंग उड़ गया, वो बच्चा मुस्कुरा रहा था। जैसी ने दोबारा जब उसकी जानिब देखा तो अब वो बच्चा उसे कहीं नजर नहीं आया, मगर हाँ वो था। वो बच्चा पीटर भी बहादुर था, निडर था। एक बार उसने हिम्मत की थी उस भूत बंगले में जाने की, और एक बार जैसी ने हिम्मत की अपनी जान जोखों में डालकर उस भूत बंगले में जाने की। बरसों से फैली अधूरी कहानी मुकम्मल हो गई थी। वो बच्चा जो उस घर में जाने के बाद कभी नहीं दिखा था, और लोग नहीं जानते थे कि उसके साथ क्या हुआ। आज सालों बाद अखबारों ने उसकी शह सुर्खियां छापी थी। जैसी देखो तुम्हारा पार्सल आया है, उसकी मम्मी ने एक डब्बा थमाया, वो अभी यूनिवर्सिटी से आई थी। कौन देखकर क्या है, वो हैरान हुई। पता नहीं, दरवाजे पर रखा था और तुम्हारा नाम लिखा है। सुर्ख रंग के डब्बे पर काले रंग का रिबन लगा हुआ था जिसपे एक कागज पे जैसी का नाम लिखा था और साथ लिखा हुआ था जर्मन जबान में, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसी ने जैसे ही वो डब्बा खोला तो अंदर वही तस्वीरें थी जो उस दिन उसने शीशे पे लगी देखी थी, उन बच्चों की तस्वीरें। उस घर की तलाशी में ये तस्वीरें ना मिल सकी थी, और इन तस्वीरों के ऊपर एक काला कपड़ा पड़ा था। उसने वो कपड़ा उठाकर देखा, उस कपड़े के साथ डोरी बंधी थी। उसे याद आया कि उसने ये कपड़ा ढांचे की आग पर लगा देखा था जो उन बच्चों के ढांचों के सबसे आगे था, और वो ढांचा पीटर का था, काला ढांचा। जैसी ने वो तस्वीरें पुलिस के हवाले कर दी, लेकिन वो कपड़ा आज भी उसके पास है। जैसी को भी कभी कभी ख्वाबों में कुछ चीजें दिखाई देती हैं, और बाज़ोकात वो लड़का पीटर भी, लेकिन अब जैसी को नानी की कहानियां झूठ नहीं लगती।